हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज मेरे कुछ पुराने मित्रों ने यूट्यूब पे मुझे कमेंट किया कि भाई, राजनीति और कूटनीति पे भी एक वीडियो बनाओ, हम सुनना चाहते हैं आपका क्या अनुभव है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं कहा चलिए, जानने की इच्छा है तो इसका मतलब उन्हें इसका विश्वास है कि शायद मैं उनको कुछ बता पाऊंगा। तो आपकी आस्था के लिए धन्यवाद दोस्तों। राजनीति में मेरा ऐसे सीधा सीधा तो कोई टच नहीं रहा, लेकिन हाँ, मैंने राजनीति को बहुत नज़दीकी से देखा जरूर है। वो मैं फिर कभी आपको बताऊंगा कि कैसे क्या संयोग रहे। चलिए आइए, अब काम की बात करते हैं दोस्तों। राजनीति दो शब्दों से बना हुआ मिश्रित शब्द है, एक राज और एक नीति। राज का मतलब आप जानते हैं, गवर्नेंस, राज करना। और नीति का मतलब होता है समय के अनुसार कार्य करना, एक तरह से कह लीजिए नियम के अनुसार कार्य करना, समय स्थान के अनुसार कार्य करना, इसका हिंदी अर्थ है। तो राजनीति का मतलब हुआ कि राज करने के लिए समय और स्थान के अनुरूप कार्य करना। मुख्य ध्येय क्या है? राज करना। राजनीति में मुझे बड़ी हंसी भी आती है कभी, जब मैं राजनीति की बातें सोचता हूँ कि वास्तविकता क्या है। राजनीति की एक सार्वभौमिक व्याख्या है, आज के अगर हम परिवेश में, आज के माहौल में देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो हमें ये पता लगेगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में राजनीति क्या है, कि जो हमारा सामाजिक और आर्थिक उत्थान करे, हमारे से मतलब समाज का, जो समाज का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करे, व्यक्ति का विकास करे, वो राजनीति होनी चाहिए। राजनीति राजा की नीति भी कही जाती है, राजा जो राज कर रहा है, एक ही बात है। तो राजनीति क्या है? राजनीति है किसी भी प्रकार से राज करना, और राज ऐसे करना जिससे जनमानस का भला हो। अब आज कैसे भला होता है? आज ऐसे भला होता है कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं कैसे क्या भला हो रहा है। बड़ा पचड़ा है, जरा सा कुछ कह दो तो बहुत पचड़े हो जाते हैं, इसलिए कहना ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि देखिए, कोई आपसे बहुत मीठा बोल रहा है तो दगा करेगा, मानेगा नहीं। कोई आपकी व्यर्थ तारीफ कर रहा है, अनावश्यक तारीफ कर रहा है, वो धोखा देगा आपको, मानेगा नहीं, ठगेगा आपको, आपकी बदनामी भी वही आदमी करेगा जो आपको बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। तो ये झूठे चरित्र हैं, इनको पहचानना सीख लीजिए, बस और कुछ नहीं है। जब आदमी का मतलब होता है तब आदमी कुछ और होता है, जब उसका मतलब निकल जाता है तो आदमी कुछ और हो जाता है। कोई बात नहीं, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, ये सबके साथ है, इसमें बुरा मत मानिए, इसको समझिए, इस सिस्टम को समझिए, इस सिस्टम है क्या, ये दुनिया में है और इसके साथ हमें रहना है। तो समझने की बात यह है कि कोई आदमी, उसका जब काम होगा तो हमारे पास आएगा, काम नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो बजाय इसके कि हम दुखी होते रहें सोच के कि आया और अपना काम करके ले गया, हर 5 साल बाद ये आदमी आता है, 5 साल बाद मूर्ख बना के चला जाता है, तो भाई अब तो कत विषय है ही, 5 साल बड़ा झेलना पड़ता है, तरह तरह से पीड़ा होती है। उसका एक कारण, एक तो हमने उम्मीदें बहुत लगा ली कि माननीय हमारे दरवाजे आ गए, अब तो क्या कुछ हो, अब तो क्या सब कुछ हो जाएगा। तो हमने अपेक्षाएं हमने गलत रखी थी, अपेक्षाएं हमको नहीं रखनी चाहिए थी, पहली बात गलती हमारी। दूसरा भाई, काम उसका पड़ा था, परेशान आप क्यों हुए? उसका काम है, वो आया, ठीक है, जिसका काम है वो जाता ही है। तो आपने इतना सब कुछ तन मन धन सब क्यों उनको दे दिया भाई, जो आप पछता रहे हो? मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप बहुत ज़्यादा किसी से प्रभावित मत होइए, अपना काम धाम छोड़ के दूसरों के पीछे मत लग जाइए। उनका काम है, जिसका जो काम है वो करेगा, उन लोगों को राजनीति में रहना है। अब वो समाज का तो क्या विकास कर रहे हैं, सब खुद ही विकास कर रहे हैं अपना। इसको देखो, जब आते हैं राजनीति में माननीय, तो स्कूटर भारी होता है, मोटरसाइकिल भारी होती है, और जब माननीय आ जाते हैं तो तीन तीन गाड़ी भगवान के पास चलती है। हाँ, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है,
मुझे बड़ी हंसी भी हो रही है, बड़ा जब सोचता हूँ तो क्या करूँ, विषय बड़ा गंभीर है लेकिन मैं बड़ा मुझे अजीब तरीके से बता पा रहा हूँ आपको, क्योंकि हास्यास्पद हो गई है राजनीति आज की, हास्यास्पद है। अब आप देखते हैं टीवी पे क्या चल रहा है, फलाने फलां से ये कह दिया, फलाने ढिकां से ये कह दिया, तो यही बातें रह गई है भाई। यही समाज और यही देश है, क्या यही देश की नीतियां हैं कि उसने इससे क्या कह दिया और उसका FIR करो और उसको बंद करो, उसने ऐसा क्यों कह दिया। मूर्ख लोगों को टीवी पे बिठा दिया और पूरी दुनिया इस मूर्खता को देखती है पूरा दिन, तो क्या ऐसे देश का विकास होगा। हाँ कहीं क्या निकल आया, हमारे तो हमारा देश ऐसा है कि हमारे यहाँ तो पेड़ और पौधों में और पत्तों में भी भगवान निकले आते हैं, तो हर पत्ते पे फिर सब काम करिए। हाँ भाई, भगवान जहाँ तक मैं मानता हूँ आत्मा का विषय है, अपना व्यक्तिगत विषय है, जिसके मन में जो है वो माने उसको मानना चाहिए, किसी को उसमें दखल देने का अधिकार नहीं है, नहीं देनी चाहिए, ये धर्म विरुद्ध है, नियम विरुद्ध है। आप वहाँ तक स्वतंत्र हैं जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता को आप खंडित नहीं करते हैं। आप बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं कि भाई मुझे तो राइट टू स्पीच है। अरे आपको राइट टू स्पीच है तो भैया दूसरा भी तो है, उसको भी तो सोचिए, तो ऐसा बोलिए ना जो उसका भी काम चलता रहे, आपका भी चलता रहे, उसको कष्ट ना हो। तो बस यही सब चल रहा है, तो राजनीति अब तो बस एक है कि किसी भी तरह से सीट ना जाए, हमारा राजकाज चलता रहे। हाँ एक और मुझे बड़ी अच्छी बात आ गई, देखिए एक होती है कूटनीति। कूटनीति क्या है, राजनीति और कूटनीति में थोड़ा सा अर्थ है। डिप्लोमेसी राजनीति पॉलिटिक्स और कूटनीति डिप्लोमेसी। कूटनीति क्या होती है, कूटनीति होती है कि किसी भी प्रकार से ऐसी नीतियाँ जिससे अपने दुश्मन को अपने शत्रु को परास्त किया जा सके किसी भी प्रकार, और इसमें धमकी का और डर का भय का इसमें बहुत ज़्यादा प्रखरता रहती है, प्रभाव रहता है, ये कूटनीति की वास्तविक स्वरूप है। तो अक्सर जैसे अमेरिका को आपने देखा है, अमेरिका क्या करता है, कोई भी देश कुछ करे गरिया देता है, बड़ा जोर से धमका देता है। रसिया ने वही किया, रसिया बहुत दिन से देख रहा था, उसने कहा कि अच्छा तुम सब अपना अपना दिखाते हो, मेरा देखो, पगला गया। अब देखिए क्या उत्पात मचा रखा है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है, क्या होगा भगवान जाने आगे। लेकिन कूटनीति की में प्रभाव इसका है, किसका, भय का। दूसरों में भय बना के ऐसा माहौल पैदा कर दीजिए कि वो डर जाएं और वो थमे रहें, मुंह ना उठाएं कि आप जान लो बस तुम्हारी इतनी औकात है, तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो जाएगा, तो चुप भैया अपना टाइम काटो। तो जब देश हमारे पास इतने परमाणु बम हैं, ये क्या है, ये कूटनीति है, हम ये कर देंगे, ये क्या है, कूटनीति है। कभी कभी सफल परीक्षण कर लिया, उसका प्रयोग कर लिया, मिसाइल चला दिया, बैलिस्टिक चला दिया, ये चला दिया, जो प्रतिबंधित मिसाइल हैं वो चला दी, प्रतिबंधित भी और चल भी रही है और हो भी कुछ नहीं रहा, ये देखिए आप तमाशा। क्यों चला दी, इसलिए चला दी कि वो कूटनीति है, वो भय दूसरों में व्याप्त करना चाहते हैं। अब मैं जो कह रहा था कि मुझे एक अच्छी बात याद आ गई, वो क्या आ गई कि हमारे देश में भी अब यही देखने को मिलता है। राजनीति राज करने की नीति है, चलिए कायदा तो उसका ये है कि आप समाज का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करें, राज्य की नीतियाँ ऐसी हों जिससे समाज को सब विकास हो, शरीर सबका स्वस्थ रहे और सामाजिक उन्नति हो, शिक्षा सबको मिले, स्वास्थ्य सबको मिले, आर्थिक उन्नति हो, लेकिन ये तो सब खिसकता जा रहा है, बहुत बहुत सब कुछ खिसक गया। आंकड़े देखिए, मैं नहीं बोलूँगा, सब आंकड़े वांकड़े जाने हैं, आप देखें। लेकिन कूटनीति का प्रयोग अपने ही देश में हो रहा है, कूटनीति दूसरे देशों के लिए होती है, लेकिन आप विचार करिए, राजनीति का ध्यान नहीं है, राजनीति बनी रहे इसके लिए अपने ही देश में कूटनीति का प्रयोग हो रहा है। तो बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, जितना मैं जानता था, जितना मेरी समझ है, मैंने आपको अपने विचार शेयर किए। अगर आपको अच्छे लगें तो मुझे सुनते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, अपने मित्रों को, बंधुओं को, घर परिवार में दिखाइए। मैं कोई ऐसा वीडियो या कोई ऐसा थॉट या कुछ नहीं डालता जिससे किसी को दिक्कत हो या जिसको कोई ना देख पाए, सब देखें, छोटे देखें, बड़े देखें, बच्चे देखें, रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। आप आराम से निडर होके कहीं भी मेरा चैनल किसी को भी शेयर कर सकते हैं और सुन सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई विचार है मेरी बातों को लेके, या मुझसे सहमत नहीं है, या कोई सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, तो मैं उसका भी ध्यान रखूँगा।
और प्रयास करूँगा कि मेरे वचन से कभी किसी को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार।